शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कुछ भी करके वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा कहना, आज अपने परिवार से अलग हो जाएगी और वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। जिस तरह तुम पूरी तैयारी के साथ इस घर को बर्बाद करने आए थे ना, उसी तरह हम भी पूरी तैयारी के साथ तुम्हारा पर्दाफाश करने आए हैं। उसका सबूत ये फाइल है। क्या क्या किया तुमने इसमें सारे सबूत? बस गौरव, बहुत हो गया। किस हक से तुमने वंश जी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया? वंश जी कैसे है कैसे नहीं वो सब हम देखेंगे। ये शादी होकर रहेगी गौरव। गौरव को शायद गलत फहमी हुई है। पंडित जी आप फेरे करवा लीजिए। देख लो जितना देखना है अपने दोस्त को, 10 मिनट में वो बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। ये गलत है, हमने आपकी बात मानी, आपकी शर्त मानी। गौरव की जान के बदले हम आपसे शादी कर रहे हैं, तो फिर आप उसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा ना, आप हमारी होके भी नहीं होंगे। आप लोग फेरे अनवरत शुरू कीजिए। अब क्या हो गया कहना? हमने सब प्लान बना लिया था, अब क्यों इस रावण से शादी कर रही हो? कहना रोक दो ये शादी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ में। वाओ, 3 फेरे हो गए, बस अब 4 फेरे और। अब चौथे फेरे में वधु आगे आएगी और ये वचन लेते हुए कि अपने पति के जीवन में कोई भी आपत्ति या संकट आएगा उसका सामना आप स्वयं करेंगे। देख लो जितना देखना है अपने दोस्त को, 10 मिनट में वो बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। मत करोगे ना? रोक तो ये शादी। अपने पति के जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना सबसे पहले वो करेगी। 10 मिनट में वो बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। गहना आगे चलो। Yeah.
का रूप होती है। जब वो पत्नी बनती है तो दुर्गा का रूप लेती है, ताकि अपनों पर कोई भी संकट आए तो वो उसका खात्मा कर सके। गौरव ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, फरेबी हो, लेकिन गौरव ने जो कुछ भी नहीं कहा आज हम वो कह देते हैं। आज तक साहब जी पर जो भी हमले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुमने करवाए हैं। तुम कोई मदद करने नहीं आए थे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आए थे। साहब जी की सारी जायदाद अपने नाम करना चाहते थे तुम। उनको और उनके परिवार को सड़क पर लाना चाहते थे, उनसे बदला लेने आए थे तुम। और फिर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो उनके सामने तुमने ये शर्त रखी, तुम चाहते थे कि वो हमारी शादी तुमसे करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि शायद बुराई की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई अमर होती है। और इसलिए आज ये सच्चाई जीत गई और झूठ हार गया। सच्चाई पे बुराई की जीत इस रावण के नाश के बाद होगा। हम आपको ये सच्चाई पहले भी बता सकते थे, वो भी सबूत के साथ, और सबूत था हमारे पास। वो फाइल जो गौरव अभी लेकर आया था, वो फाइल जो हमने अभी अभी इस हवन कुंड में जला दी, वो भी इसलिए क्योंकि इसने ये करने के लिए इसने हमें मजबूर किया था। इसने हमसे कहा था कि अगर हम इसकी बातें नहीं मानेंगे तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा जो उसने गौरव को मारने के लिए लगाया है। गौरव, आप लोग क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? ये शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए ये सब कहानियां बना रही है। कोई बॉम्ब नहीं है, इसकी चाल है। ए! चाल नहीं, भूचाल कहो। तेरा मरना तो तय है गौरव, ये है बॉम्ब का रिमोट। हमारे नाम का सिंदूर लगा लोगे, हम गौरव पे लगा बम हटा देंगे। ये पंडित शुरू करो। यह ना वक्त बहुत कम है, हमें एक मिनट नहीं लगेगा ये बटन प्रेस करने में। वंश, तुम ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तुमने हमें जितनी तकलीफ देनी थी दे दी, अब हमारी बेटी को हम एक तकलीफ नहीं होने देंगे। तो कहो अपनी बेटी से ये सिंदूर लगा ले और मुक्ति पाले अपनी मुश्किलों से। सिर्फ 4 मिनट बचे गहना, ये सिंदूर लगा लो और बचा लो गौरव। नहीं कहना। हे माता रानी, ये शादी रोक दो। तेरा मरना तो तय है गौरव। कहना इसकी बातों में मत आना। कोई बॉम्ब नहीं है, इसकी चाल है। 10 मिनट में वो बॉम्ब अपने आप फट जाए। हमारे नाम का सिंदूर। कोई बॉम्ब नहीं है, इसकी चाल है। तेरा मरना तो तय है गौरव। कहना इसकी बातों में मत आओ, मत करो ये शादी। नहीं गौरव,
तुम्हारी जान के लिए हम महंगे से महंगा सौदा कर ले, हमारी जान का सौदा तो फिर भी सस्ता है। ऐसा अनर्थ मत होने दो माता रानी। गहना, अगर तुम हमारी नहीं हुई ना तो किसी और की भी नहीं हो सकती। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। इस परिवार को हमारी चांदनी को मारने की सजा तो मिलनी थी, और कहना तुमने हमारे मां के कंगन ठुकराए ना, जितना मैं जलाऊं ना उससे ज्यादा जलोगी तुम। नहीं होगा तुम्हें, चलो। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। ये कहना और उसके परिवार को धोखा देने के लिए, ये कहना को छूने के लिए, ये कहना को रुलाने के लिए, ये तेरी गंदी नीयत के लिए, ये गहना को दी हुई हर तकलीफ के लिए। इसे छोड़ोगे नहीं आवाज? गौरव, गौरव प्लीज छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। मरना तो उसे पड़ेगा, क्योंकि इसके हर पाप की सजा मौत है। उसे आज कोई हमारे बीच में नहीं आएगा, उसे सजा कानून देगा। तुम कानून अपने हाथ में मत लो। गौरव, गौरव छोड़ो इसे, अपने हाथ गंदे मत करो। होने दो, पर आज इसे छोड़ेंगे नहीं हम। गौरव प्लीज बात मान जाओ, छोड़ दो उसे प्लीज। अरे छोड़ो उसे। गौरव, कहना, कहना, पकड़ो इसे, लेके चलो।
अगर तुम लोग लगता है ना कि तुम लोग जीत गए हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो फाइल तुमने जलाई है ना वो नकली थी। तो कानूनी तौर पे ये सब कुछ हमारा है। अभी तो हम जेल जा रहे हैं, लेकिन तुम सब लोग जाओगे सड़क पे। लेके चलो इसे। अरे एक मिनट। अरे सुधा जी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या ना आपसे रिलेटेड है ये जो आपके पतिदेव है ना महेंद्र चौधरी, ये गहना को ऐसे ही अपनी बेटी नहीं बुलाते। दरअसल गहना महेंद्र चौधरी की सगी बेटी है। लेकिन नाजायज है, और ये खबर कल के अखबार में फ्रंट पेज पे होगी, सभी लोग पढ़ना। और ये जो मंडप टूटा फूटा है ना, उसे अपनी फूटी किस्मत समझना और एंजॉय करना, क्योंकि हमारी किस्मत में जो था ना वो हमें मिल गया। बदला लेने आए थे, बदला लेकर जा रहे हैं। हमारी बहन है। बकवास कह रहा था वो, सारे झूठ पकड़े गए थे ना उसके, इसलिए जाते जाते ये कह गया था कि हमारे घर में अशांति फैले। ऐसा कुछ नहीं हुआ। है ना? आप चुप क्यों खड़े हैं? वो जो बोल के गया वो झूठ था ना? आप चुप क्यों खड़े हैं? कह दीजिए कि वो जो भी बोल कर गया वो झूठ था। वंश ने जो कहा वो सच है। कहना हमारी बेटी, हमारा अपना खून है। ये बात हम गहना की शादी के बाद सबको बताने वाले थे, लेकिन वंश ने पहले बता दिया। हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी। इसके लिए हम हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हैं। इसे छुपाना नहीं कहते, इसे झूठ बोलना कहते हैं। आपने हम सबको धोखा दिया है। आपने माँ संभाल के आप
तुम्हारी मां नहीं है। हम आपको पहले ही बताने वाले थे मां, लेकिन जब हमें पता चला तो अच्छा तो ये बात तुम भी पहले से जानती थी, मतलब ये तो साजिश हुई ना? नहीं नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। औलाद बनके हमसे जायज रिश्ता जोड़ने आई थी ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती हम ही सुधारेंगे। हमारे घर से निकल। गहना हमारी भी बेटी है। हमारी नहीं, आपकी बेटी है, निकल। गहना देखिए, हम जायज और नाजायज के बारे में नहीं बोलेंगे, पर सही और गलत के बारे में बोलेंगे। अब गहना को इस तरह से इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि ये घर जितना उर्वशी मैडम का है उतना ही नहीं गहना का भी है। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।